दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे हुआ ताजमहल का निर्माण? आइए आज जानते हैं कि आखिर ताजमहल का निर्माण हुआ कैसे। ताजमहल परिसीमित आगरा नगर के दक्षिण छोर पर एक छोटे भूमि पठार पर बनाया गया था। शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जय सिंह को आगरा शहर के मध्य एक वृत्त महल दिया था। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया एवं उसमें कूड़ा करकट भरकर उसे नदी सत्ते के 50 मीटर ऊंचा बनाया गया, जिससे कि सीलन आदि के बचाव को से हो पाए। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थरों के भरकर नींव स्थान बनाया गया। फिर बांस के परंपरागत पेड़ के बजाय एक बहुत बड़ा ईंटों का मकबरा सामान की ढांचा बनाया गया। इसका समाधान यह हुआ कि शाहजहां के आदेश अनुसार स्थानीय किसानों को खुली छूट दी गई। एक दिन में कोई भी चाहे जितनी ईंट उठा सकता है, तो वह ढांचा रात भर ही साफ हो गया। सारे निर्माण सामग्री संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु एक 15 किलोमीटर लंबा मीटर का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों को खास निर्मित गाड़ियों में जोतकर शिलाखंडों के यहां लगाया गया। एक विस्तृत पेड़, एक लंबी बल्ली से बनी चरखी चलाने की प्रणाली बनाई गई, जिससे कि खंडों को इच्छित स्थानों पर पहुंचाया गया। यमुना नदी के से पानी लगाने हेतु राहट प्रणाली का प्रयोग किया गया था। उससे पानी ऊपर बने बड़े टैंक से भरा जाता था, फिर यह 3 गुण टैंकों में भरा जाता था, जहां से यह नालियां द्वारा स्थान पर पहुंचाया जा सके। आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इससे बनने में समय तथा पैसे कितने लगे। आधारशिला एवं मकबरों का निर्माण होने में 12 साल लगे। शेष इमारतों एवं भागों को अगले 10 वर्षों में पूर्ण किया गया। इनमें पहले मीनारों, फिर मस्जिद, फिर जवाब एवं अंत में मुख्य द्वार बने। इसी प्रकार इसकी निर्माण कीमत में भी भिन्नताएं हैं, क्योंकि इसकी कीमत तय करने के समय अंतराल की काफ़ी फर्क आ गया था। फिर भी कुल मूल्य लगभग 3 अरब 20 करोड़ रुपए इस सामान्य अनुसार आंका गया है कि जी वर्तमान में खरबों डॉलर में से अधिक हो सकता है, यदि वर्तमान मुद्रा में बदला जाए तो। इसका निर्माण की सामग्री क्या क्या आई, आइए जानते हैं हम। ताजमहल को संपूर्ण भारत एवं एशिया से लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया था। 1000 से अधिक हाथी निर्माण के दौरान यातायात हेतु प्रयोग हुए थे। पराभासी श्वेत संगमरमर को राजस्थान से लाया गया था। जैस्पर को पंजाब से, हरितावश्मार या जेड एफ स्वीटिक या किस्टिट को चीन से, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लेपिस ल्यूली, श्रीलंका से नीलम एवं अरबिया से इंद्रगोप लाए गए थे। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़ गए थे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कारीगर कितने इस्तेमाल हुए थे ताजमहल को बनाने में। उत्तरी भारत में लगभग 20,000 मजदूरों की सेना अवंत कारीगर थी। बुखार में शिल्पकार, सीरिया एवं ईरान में सुलेखनकर्ता, दक्षिण भारत से 25 कारी के कारीगर, बलूचिस्तान से पत्थर नराश तराशने एवं काटने वाले कारीगर इनमें से शामिल थे।